हेलो मेरे प्यारे बच्चों हाउ आर यू ऑल बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक करैक्टर ऑफ अमीन्स इन एक्वस्फेज बेटा इन और प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन्स इन गैसियस फेज अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो पॉपअप आपको ऊपर आप दिखाई दे गया होगा बेटा उस पर क्लिक करें और उस लेक्चर को देखें दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू वन क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट फ्रॉम बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन्स ओके तो पहले उस लेक्चर को देखें आप उसके बाद आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें ठीक है नाउ तो बेसिक करेक्टर ऑफ अमीं इन फेज में हम क्या डिस्कस करेंगे यहां पर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस

Plus I effect of alkyl groups. Plus I effect of alkyl groups, beta. Second factor is, beta tendency to form hydrogen bonding. Tendency to form hydrogen bonding. This is second factor, beta. And third factor is beta steric hindrance. Steric

प्लस इफेक्ट पर ही डिपेंड करता था एल्कॉल ग्रुप के प्लस इफेक्ट पर और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक बेसिकेक्टर क्या आया था बेटा basic, उससे लेस सेकेंडरी देन प्राइमरी दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक ओके बेसिकॉन ए प्लस इफेक्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस्ड अपॉन सेकेंड फैक्टर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड फैक्टर पर बेस होकर क्या होगा देखिए सेकंड फैक्टर पर बेस होकर बेटा हम इसी को डिस्कस करते हैं पहले सी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग और थर्ड फैक्टर को मैं यहां लिख देता हूं ठीक है थर्ड फैक्टर स्टेरिकंड्रेंस इसको हम यहां लिख देते हैं लास्ट में अपना रोल प्ले करेगा ना टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बेस होकर बेटा वी कैन डिस्कस दैट ट इज द टेडेंसी ऑफ डिफरेंट अमीन टू फॉर्म हाइड्रोजन बोनिंग कैसे देखिए आर थ्री एन दिस अगर हम इनको वोटर में डिजोल्व करते हैं देन वॉट है डिजोल्व करेंगे इनको बेटा देश

दे जाते दू एल्काइल ग्रुप्स एल्काइल अमोनियम आइन दिस इज डाई एल्काइल अमोनियम आइन एंड प्लस ओ एच नेगेटिव आइन इसका भी बेटा ठीक है सिमिलरली टर्सरियम मींस अगेन नाइट्रोजन वन टू थ्री थ्री एल्काइल ग्रुप्स हैं एक हाइड्रोजन आ गया बेटा प्रोटोनेशन से दिस पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा ठीक है दिस इज पॉजिटिव चार्ज बेटा नाव प्लस ओ एच नेगेटिव अब हमें क्या चेक करना है कि भाई टेंडेंसी ऑफ दिस रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज मोर इफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस एल्काइल अमोनियम आयन डाई एल्काइल अमोनियम आयन ट्राई एलकाइल अमोनियम आयन इज मोर मीन दिस अमोनियम कटाइन है जो अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो सिंपल साफ पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल याद आ रहा हो तो आप लोगों को देन दिस रिएक्शन हैज मोर टेंडेंसी टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सिंपल पॉइंट एंड वाइस वर्सा ओके अब देखो भाई फिर बेटा ये स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन किस पर डिपेंड होगी आप लोगों को पता है बेटा कि हमने इसको वाटर में डिजोल्व किया हुआ है किस में डिजोल्व किया है वाटर में वाटर इज सोलवेंट है तो वाटर सोल्वेंट है बेटा तो हमें यही चेक करना है कि विच हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओके देखिए वोटर मोलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं जितने ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स होंगे मोर इज द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ दैट दैटलोनियम आइन हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फोन फ्लोरिन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इलेवेंथ क्लास से आप ये पॉइंट डिस्कस करते आ रहे हैं फोन वो हेलो हेलो वाला फोन नहीं केमिस्ट्री वाला फोन है ओके फ्लोरिन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड स्मोलेस्ट इन साइज इन द पर्टिकुलर ग्रुप ओके बेटा नाउ सी हेयर तो देखिए बेटा हाइड्रोजन इज बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन इस पर डेल्टा पॉजिटिव है यहाँ डेल्टा नेगेटिव है एक्चुअल प्रैक्टिस में डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन ही होता है बट इट बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट इट बिहेव लाइक ए बॉन्ड इसलिए हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं बेटा यहाँ पर ओके okay? तो व्हाट हैपन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नाउ बेटा मोर द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स ऑन दिस आइटमायल अमोनियम आयंस मोर टू फॉर्म जो आयसीड लाइन इंडिकेट कर रहा हूँ बेटा मैं दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ दिस अमोनियम एलका वॉटर मोलिक्यूल दैट इज सोलवेंट ओके एक्स फेज में जो हमने लिया है बेटा मोर दिन हाइड्रोजन होगा बेटा अब ये इसको इलेक्ट्रोन डोनेट करेगा अल्टीमेटली दिस इज लिंक टू नाइट्रोजन आइटम दिस पर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन well, डेफिशियंट है जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ उसी टाइम ताक में बैठा है बिल्कुल ऐसे हम्म कि इलेक्ट्रॉन मेरे उसी टाइम खींच लिया है अंडरस्टैंड किया पॉइंट सेम पॉइंट अब बेटा जैसे इसको हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे फ्रॉम दिस ऑक्सीजन ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल उसी टाइम पर ये नाइट्रोजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा टू ओवरकम इट्स पॉजिटिव चार्ज टू कैंसल दिस पॉजिटिव चार्ज ओके नाउ इसका क्या है कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे अमोनियम आयंस के साथ उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी कि इस नाइट्रोजन तक इलेक्ट्रॉन पहुंचे मीन मोर विल बी पॉजिटिव चार्ज हेंस मोर इज स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्का अमोनियम आयन की मोर इज मोर द ऑफ दिस रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जितना ज्यादा डायरेक्शन में मोर नंबर ऑफ ओ एच ने बेसिक करेक्टर

कि मोर द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली लिंक्ड टू डायरेक्टली लिंक्ड टू नाइट्रोजन ऐटम मोर विल बी टेंडेंसी और मोर इज द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जितनी ज्यादा टेडेंसी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेटा सो मोर द कैंसलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज सो मोर दैंसलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और जितना पॉजिटिव चार्ज का कैंसलेशन ज्यादा होगा बेटा विथ्स रिजल्ट इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ एलका or ammonium cations which results increase in the stability of alkyl ammonium ions एलका एल एल्काइल ट्राई एलकाइल अमोनियम आयन जो भी है ये अमोनियम हैं जो अमोनियम कटाइन है इनकी स्टेबिलिटी क्या करेगा इंक्रीज करेगा अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो बेटा सो मोर द चांसेस टू प्रोड्यूस नेगेटिव आयन है सो मोर द चांसेस ऑफ रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो मो फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे रिएक्शन के तो सिंपल सा पॉइंट है सो मोर नंबर ऑफ ओ एच नेगेटिव एन विल प्रोड्यूस ओके बेटा सो मोर नंबर ऑफ ओ एच नेगेटिव आयंस विल प्रोड्यूस एंड हैंस मोर इज द बेसिक करेक्टर एंडहेंस मोर इज द बेसिक करेक्टर बेटा बेसिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा सिंपल सा पॉइंट है कि जितने ज्यादा स्टेबिलिटी होगी अल्का एलोमोनियम की उस रिएक्शन के फोरक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा होंगे बेटा एंड हेंस मोर इज द बेसिक करेक्टर सिंपल सा पॉइंट मोर इज द बेसिक करेक्टर बेटा ओके बेसिक बेसिकेक्टर ऑफ अमीन उतना ही ज्यादा होगा ठीक है देखिए फिर तो बेस्ड अपॉन दिस पॉइंट मीन जिसके ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने हैं जिस अमीन से जो अल्काइल अमोनियम आयन बने हैं जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे उतने ही ज्यादा कैंसिलेशन होगा पॉजिटिव चार्ज का उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उस अल्काइल अमोनियम आयन के मोर चांसेस टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन

वट इज ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर बेसिक क्या आ गया क्या आ गया बेसिक फिर प्राइमरी क्या होगा बेटा अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैरेक्टर नाउ इस पॉइंट को अगर देखें बेटा हम तो यहां तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन आ गई दोनों में यस और नो प्लस आई के अकॉर्डिंग टसरी मोस्ट बेसिक प्राइमरी लिस्ट बेसिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग प्राइमरी मोस्ट बेसिक ट्री लिस्ट बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई यहां तो तो फिर इस कॉन्ट्राडिक्शन को सोल्व कौन करेगा थर्ड फैक्टर आएगा बेटा इसको सोल्व करने के लिए ठीक है इनके बीच में जो थर्ड फैक्टर आ रहा है एंड दैट फैक्टर इज विच वन दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस अब ये फैक्टर आएगा बेटा थर्ड फैक्टर दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस ओके

स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है बेटा रिपल्स ड्यू टू बल्की साइज बल्कि साइज और वी कैन से लार्ज साइज ओके दीज आर कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस नाउ तो थर्ड फैक्टर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है बेटा ये कैसे अपना रोल प्ले करेगा यहां पर ये हमें चेक करना है बेटा अगर एल्काइल ग्रुप का साइज जितना ज्यादा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा लार्ज साइज होता जाएगा स्टिरिकस उतनी ही ज्यादा होगी ओके मीन ड्यू टू साइज ज्यादा होंगे लार्ज साइज वजह से किसको रिपल्स रिपेल करेंगे जितने ज्यादा लार्ज साइज के अल्काइल ग्रुप हम लेंगे ओके एंड इफ दीज ग्रुप्स रिपेल स्टीरिक स्टीज वाटर मोलिक्यूल्स बेटा इफ लार्ज साइज एल्काइल ग्रुप रिपेल दीज वॉटर मोलिक्यूल्स बेटा देन वॉट हैपन्स टेंडेंसी मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होता जाएगा और वी कैन से चांसेस टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होते जाएंगे बेटा एंड चांसेस टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होंगे बेटा दिस मीनस दैट विच फैक्टर बिकम डोमिनेंट ये फैक्टर तो डोमिनेट नहीं रहेगा अगर साइज ऑफ एलकाइल ग्रुप ज्यादा होता जाए लार्ज होता जाए तो

जो फैक्टर डोमिनेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर आएगा इन दोनों में से जो फैक्टर okay, तो ये दोनों पॉइंट करने से पहले वाला पॉइंट इंसर्ट करने से पहले यहां पर हम मेन कंक्लूजन निकाल लेते हैं यहां पर बेटा कि व्हाट इज द जनरल ऑर्डर हेयर क्या बनेगा यहां पर विच अमीन इज मोस्ट बेसिक आउट ऑफ ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ अमीन्स देखो मैंने आपको कहा था बेटा कि ट्रसरी मोस्ट बेसिक है यहां पर यहां पर प्राइमरी मोस्ट बेसिक है यहाँ प्राइमरी लिस्ट बेसिक है यहां ट्रसरी लिस्ट बेसिक है तो एक अमीन ऐसी है जो अपने पॉइंट पर फिक्स है अभी तक ना इधर ना उधर फैक्टर चेंज हो गए बट उसका ऑर्डर वही है और वो कौन सी अमीन है सेकेंडरी अमीन अपनी जगह पे अड़ीप है बिल्कुल आंधी और तूफान दोनों का सामना कर रही है कौन सी अमीन सेकेंडरी अमीन ठीक है देखिए फिर इसका मीनिंग क्या है कि मोस्ट बेसिक अमीन कौन सी होगी ऑर्डर अगर हम अरेंज करें यहां पर फाइनल ऑर्डर अगर हम अरेंज करेंगे तो बेटा सेकेंडरी अमीन इज मोस्ट बेसिक यहां पर क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ तो दोनों को कंबाइन करेंगे दोनों कंबाइंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेंगे तो बेटा सेकेंडरी अमीन बिकम मोस्ट बेसिक इसके ऑर्डर पर इसके बेसिक कैक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं आया ओके नाउ बच गया केस किसका ट्रसरो प्राइमरी का उसको सोल्व करने के लिए कौन सा फैक्टर आया है स्टेरिक हिंड्रेंस अब ये बताएगा इसमें इन दोनों का सोलूशन कर देगा जो इनका झगड़ा आपस का उसको क्लियर करेगा ये ओके देखिए क्या है यहां पर नाउ बेटा फर्स्ट केस लेते हैं इफ आर है जो अलकाइल ग्रुप इज स्मस्ट एलकाइल ग्रुप इसमें दो केसेस लेंगे हम फर्स्ट इफ आर जो एल्काइल ग्रुप है इज स्मॉलेस्ट एलकाइल ग्रुप स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप कौन सा है दैट इज मिथाइल सी एस थ्री ग्रुप बेटा कौन सा ग्रुप सी एस थ्री ग्रुप स्मॉलेस्ट एलकाइ ग्रुप कौन सा बेटा दैट इज मिथाइल ग्रुप दिस इज द स्मॉलेस्ट एलकाइल ग्रुप बेटा अगर स्मॉलेस्ट एलकाइल ग्रुप है तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगी नेग्लिजिबल सो so,

टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डोमिनेंट बाईज डोमिनेट किस पर ओवर प्लस आई इफेक्ट इसका मीनिंग नेक्स्ट ऑर्डरस हो जाएगा यहां पर किसके अकॉर्डिंग जाएगा बेटा किसके अकॉर्डिंग जाएगा बेटा दैट इज अकॉर्डिंग टू तो ट तो तो okay. है बनाने की यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकोर्डिंग चेक करो विच आउट ऑफ प्राइमरी एंड ट्रसरी विच इज मोर बेसिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग प्राइमरी प्राइमरी इज मोस्ट बेसिक बेटा More basic थी, as compared to tertiary, तो 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 ठीक है उसके बाद, क्या 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 आ आ जाए जाए? आ जाएगा? जाएगा बेटा। बेटा? आया? गया कौन सा आएगा टर्सरी ठीक है क्यों क्योंकि क्या था बेटा यहां पर दिस प्राइमरी अमीन इज मोर बेसिक देन दिस टर्सरी ठीक है नाउ दिस इज ऑर्डर अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस अगर हमने इंसर्ट की है इफ एलका ग्रुप इज स्मॉलेस्ट इन साइज मीन मिथाइल ग्रुप ले लिया हमने सेकंड केस क्या पॉसिबल है यहां पर सेकंड केस देखिए आप सेकंड केस में अल्कॉल ग्रुप लार्ज साइज का लेंगे हम केस सेकंड में केस सेकंड में इफ आर इज हायर एल्का ग्रुप कोई भी हायर एल्का ग्रुप है बेटा हायर एल्का ग्रुप बेटा लाइक like

स्टेरिक मोर अगर मोर स्टेरिक इंड्रेंस होगी तो बेटा इसके वजह से क्या इफेक्ट आएगा सो चांसेज टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस बेटा चांसेज टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस And what are chances to form hydrogen bonding decrease? Which factor becomes dominant? So plus I effect of alkyl group becomes dominant. Plus I effect of alkyl groups becomes dominant. और भाई प्लस आई इफेक्टो फैकल को डोमिनेंट होगा तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा अमीन मोर बेसिक था आउट ऑफ प्राइमरी एंड टर्शियरी टर्शियरी मीन इज मोर बेसिक सेकेंडरी तो था ही मोस्ट बेसिक सेकेंडरी तो था ही मोस्ट बेसिक उसके बाद क्या आएगा प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग टर्शियरी और उससे लेस कौन सा बेटा प्राइमरी देखो अब पॉइंट नोट करना आप लोगों को यहां पर कि अगर एल्काइल ग्रुप स्मोलेट साइज का है तो ऑर्डर क्या बना टू वन थ्री दो सौ तेरह है ना आप साइड वाले बच्चे को भी बता सकते हो बाई चांस वो पूछ रहा आपसे सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी बोलने जरूरत नहीं टू वन थ्री बोल दो सौ तेरा बोल दिया आपने और अगर एल्काइल ग्रुप लार्ज साइज का है देन इन दैट केस बेटा दो सौ इकतीस टू थर्टी वन टू थ्री वन ओके नाउ तो मीन यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे हमने वो भर दिए यहाँ पर दिस ओके okay?

फैलकाइल इसकी वजह से टीन इजम बिकम्स मोर बेसिक और इसकी वजह से टॉसिंग become, uh, ओके okay? तो देखिए बेटा सो तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है आज हमने डिस्कस किया बेसिक एक्ट्रोफमीस इन एक्वेज और एक्वेज में हमने बेटा थ्री फैक्टर्स डिस्कस किए हैं क्या आप एक्वस फेज में जो बेसिक कैरेक्टर डिपेंड अपन थ्री फैक्टर्स प्लस आई फैक्टर ऑफ एलकाइल ग्रोस टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड थर्ड स्टेरिक हिंड्रेंस ओके प्लस आई आईफेक्ट के अकॉर्डिंग ये है बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड देन बेटा फाइनली फिर कंक्लूजन क्या आया कि सेकेंडरी मोस्ट बेसिक हो गई बट प्राइमरी टर्सरी का कोई हमें कंक्लूजन नहीं मिला यहां से तो इसको इसका कंक्लूजन देने के लिए थर्ड फैक्टर आया इसने अपना रोल प्ले किया बेटा इसने फिर क्या बताया कि अगर ग्रुप साइज का है तो बेटा टेंडेंसी टू तो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी वहां पर मोर होगी नेगलिजिबल स्टीरिक उसकी वजह से क्या होगा बेटा हैपेंस है प्राइमरी ओके सेकेंडरी तो था ही ठीक है अगर ग्रुप लार्ज साइज का है स्टेरिका ड्य वेंट ओवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी वजह से क्या होगा ट्रसरी बिकम बेसिक देन प्राइमरी सेकेंडरी तो था मोस्ट बेसिक ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर बेटा इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस बेसिकटिक्सटीट्यूटेड अमींस तब तक आप ये लेक्चर देखिए ध्यान से इसको समझो ध्यान से ओके थैंक्स लॉट